तो फाइनली नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य आनंद। स्वागत करता हूं आप सभी का डिजाइनिंग मंत्र में। एक और नए वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। आज की वीडियोस बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉग्निजेंट के वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के बारे में, जो बिल्कुल फ्री और एकदम ऑनलाइन होने वाली है। आप लोग घर बैठे इस प्रोग्राम को कम्प्लीट कर सकते हैं। जो सबसे खास बात, इस प्रोग्राम के अंदर आपको बेनिफिट बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। बेनिफिट का यहाँ पर यह मतलब नहीं कि आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलने वाला, आपको और भी ऐसे कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो आपके रिज्यूमे में चार चांद लगा सकते हैं, और इन सारी चीजों को आप लोग अपने रिज्यूमे में ऐड भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसकी प्रूफ भी यहां पर दिखाने वाला हूं। सो फाइनली बता दूं, टास्क क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल होने वाला। जो स्टूडेंट यहां पर हम लोग कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं, बीसीए, एमसीए, बीटेक या फिर बीएससी आईटी में भी पढ़ाई होती है, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, इससे रिलेटेड ही पूरी यहां पर प्रोग्राम होने वाली है, जिसके अंदर बस आपको यहां पर गैदर करना इंफॉर्मेशन कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होती है। ये हमें कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है और इसे हम लोग यहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इसी के साथ आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी यहां पर दी जाएगी। सो फाइनली बिना किसी देरी के सीधे चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहां से मैं आप सभी को टास्क के बारे में भी एलिब्रेट करके बता पाऊंगा कि टास्क को फाइनली कंप्लीट कैसे करना है। तो फाइनली प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ दिखाना चाहूंगा। किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्हाई शुड यू बी हायर्ड फॉर दिस रोल, आपको इस जॉब रोल के लिए क्यों हायर करना चाहिए। लगभग हर एक जगह आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी के बेसिस में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि इसी आंसर के थ्रू जो भी रिक्रूटर होंगे सबसे पहले वो आपके इसी आंसर को यहाँ पर देखेंगे, फिर आगे आप रिज्यूमे की प्रोसेस होती है। उसके बाद दूसरी यहाँ पर बेनिफिट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं रिज्यूमे सेक्शन, जब आप लोग रिज्यूमे को बनाते हैं यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ चीजें लिखनी पड़ती है जो आपके पास कुछ होती नहीं है, लगभग लोगों के पास कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की खासियत है, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है वहाँ पर आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा, जिसे आप लोग यहाँ पर अपने रिज्यूमे में पेस्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पर वेरीफाइड होने वाला है। तो इस तरीके से मैंने आपको दो फायदा यहां पर बताया, तीसरा आपको यहां पर एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें दिखाते जाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं कॉग्निजेंट के इस प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे स्किल्स भी यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। स्किल्स की अगर बात करें तो ढेर सारे स्किल्स आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएंगे। टास्क बिल्कुल सिंपल होने वाला है, तो हम लोग डायरेक्ट टास्क को स्टार्ट करते हैं। आप लोग खुद से साइन अप कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बिल्कुल ही यहाँ पर आसान होने वाली है। सो फाइनली एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड यहाँ पर आ जाएगा। चूंकि मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था, मैंने टास्क को कंप्लीट कर लिया, तो मैं आपको सही तरीके से बता पाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त चीज यहां पर दिखाना चाहूंगा। यहां पर आपको जो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जो पीपीटी दिया जाएगा, उसका लेवल इतना ज्यादा हाई होने वाला है, जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी सीख सकते हैं। देखो, प्रेजेंटेशन का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोग सिर्फ इमेजेस लगा दें, कुछ टेक्स्ट लिख दें, उससे आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में जो कॉम्प्लेक्स आपकी प्रोजेक्ट होती है उसे आपको दिखाना होता है, थ्रू प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना होता है। तो कॉम्प्लेक्स चीजों को कैसे आप लोग प्रेजेंटेशन में उतार सकते हैं, इस टाइप के डिजाइन को कैसे आ सकते हैं, यहां पर आप लोग इस प्रेजेंटेशन से भी सीख सकते हैं, जो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक चीज़ यहाँ पर एडिटेबल होने वाला है, आप लोग इसे एडिट भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए इससे आइडिया लेकर के आप लोग प्रेजेंटेशन को तैयार भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। अब सीधे चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, जहाँ से मैं आप सभी को टास्क के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला टास्क होने वाला है वाटरफॉल मॉडल, जिसके बारे में हम सब ने सुन रखा है, और एजाइल वर्सेस, कहने वर्सेस का मतलब यहाँ पर यही हो रहा है कि दोनों के बारे में आपको कुछ यहाँ पर बताना होगा। जैसे आप पहले टास्क में जाएंगे, आपको टेम्पलेट यहाँ पर दे दिया जाएगा, टेम्पलेट को किस तरीके से कंप्लीट करना है, मैंने किस टाइप से कंप्लीट किया वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको अपनी टास्क वन सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। टास्क वन आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पीपीटी होने वाला है, तो ये पीपीटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाए, उसे आपको डाउनलोड करना है, लेकिन उसमें आपको चेंजेस भी करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम दिया गया है, मैंने 2023 डाला, वाटरफॉल वर्सेस एजाइल मैंने किया। इसके बाद आपको एजाइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या मैनिफेस्टो होता है, क्या प्रिंसिपल होता है। इसी के साथ आगे वाटरफॉल मॉडल के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपको एक दो पेज यहाँ पर ऐड करना है, जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें अपने से लिखनी होगी। बेसिकली वाटरफॉल मॉडल के बारे में और एजाइल के वाटरफॉल एनालिसिस के बारे में आपको तीन चार चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो इस पीपीटी को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर जाइएगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा, क्लिक कीजिएगा, एक नया स्लाइड बन जाएगा, जहाँ से आप लोग कुछ नई नई चीज़ों को ऐड कर पाएंगे। लेकिन इसे एक बार पढ़िएगा जरूर, क्योंकि वाकई में ये प्रोग्राम बहुत अच्छी, इसमें जो इन्फॉर्म
इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में इंटरव्यू स्किल्स को भी आपको यहाँ पर बढ़ाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा टास्क वन होने वाला है जिसे हमें यहाँ पर सिंपली जा करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सबमिटेड कंप्लीटेड का यहाँ पर आपको एक मैसेज शो हो जाएगा जिससे ये पता लग जाएगा कि आपकी टास्क कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। दूसरी अगर टास्क की बात करूँ तो यहाँ पर आपका टास्क क्या होने वाला है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर ये कहा कि आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक एप्लीकेशन को डेवलप करना है, तो उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, आपको लोगों से किस तरीके से बात करना है, क्या रिक्रूटर्स क्या किस तरीके से टीम मेंबर से आपको बात करके एक एप्लीकेशन को यहाँ पर डेवलप करना होगा जिससे आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके। इसी के साथ यहाँ पर जो आपको टास्क दिए जाएंगे उसका एक सैम्पल भी आपको दिया जाएगा, यहाँ पर भी एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया जाएगा जिसे आपको नीचे सबमिट करना होगा। ये हमारा टास्क टू होने वाला है, जो कि टास्क टू हमारा इस टाइप से यहाँ पर होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ टास्क टू, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आप लोग सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज रखा है, सिंपली आप लोग उसे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें कुछ चेंजेस जरूर कीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। उसके बारे में आप लोग पढ़ने के बाद कुछ इस टाइप से चेंजेस जरूर कीजिएगा, किस तरीके से यहाँ पर रोल होगा, कैसे प्रोडक्ट के ऑनर से आपको बात करना है, कैसे स्क्रम मैनेजर से बात करना है, इस टाइप से आपको एक यहाँ पर पूरी बना लेनी डॉक्यूमेंट, उसके बाद उसे सबमिट कर देनी है। तो हमारा टास्क टू यहाँ पर बिल्कुल सिंपल होने वाला है, आप लोग कुछ इस टाइप से यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। टास्क थ्री की अगर बात करें तो सिंपल यहाँ पर क्विजेज होने वाली है जिसे आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करना होगा। आप देख सकते हैं टास्क थ्री में हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं जिसमें कि मॉडल आंसर मैं आप सभी को यहाँ पर मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाता है जिससे हेल्प लेकर के आप लोग टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो टास्क थ्री भी मैं आप सभी को यहाँ पर भेज रखा हूँ, आप देख सकते हैं हमारा टास्क थ्री भी है, पीपीटी होने वाला है, इसे भी मैं आप सभी को भेज देता हूँ। लेकिन इसे आप लोग कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर कीजिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा जरूर, तो ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो जाकर के जब आप कंपनी में किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ करके ही इसे आगे बढ़िएगा और अंदर जो भी नाम वगैरह उसे आप लोग चेंज कर दीजिएगा। तो टास्क थ्री भी कुछ इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगी, आसान है। अगर बात करें टास्क फोर के बारे में, फोर्थ टास्क में आपको क्या करना होगा, क्विजेज होगी, क्विजेज को आपको करनी होगी, बिल्कुल ही आसान होती है। स्टार्ट योर क्विज में आपको क्लिक करना है, आप यहां पर कुछ इस तरीके से गलत अगर आंसर है तो आप लोग यहां पर सिंपली टिक करते जाइएगा, जो भी सही आंसर होगा वहां पर जाकर के आपको सबमिट कर देना होगा। तो टास्क फोर भी हमारा कंप्लीट हो गया। टास्क फाइव की अगर बात करें तो टास्क फाइव में यहां पर आपको कुछ सिनेरियो दिए जाएंगे, उसका आपको आंसर कुछ इस टाइप से यहां पर लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई जा रही है, इसमें आपको कैसे यहाँ पर डायग्नोसिस करना है प्रॉब्लम को और रिजोल्यूशन आपको कैसे यहाँ पर देने होंगे इसके बारे में लिखना होगा। तो इसे आपको कैसे कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने पहला सिनेरियो यहाँ पर लिख लिया, जो हमारा क्वेश्चन था उसकी डायग्नोसिस कैसे मैं कर सकता हूँ उसके बारे में मैंने लिखा। उसके बाद इसके रेडमी के बारे में मैंने लिखा, यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैंने एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना लिया। इसी टाइप से सिनेरियो टू और थ्री फोर फाइव को आप लोग बना लीजिएगा। आप लोगों को अगर हेल्प चाहिए तो बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बताऊँ हेल्प आप लोग कहाँ से ले सकते हैं। आप लोग सिंपली चैट जीपीटी से भी यहाँ पर हेल्प ले ही सकते हैं, मैंने चैट जीपीटी से यहाँ पर हेल्प लिया। कैसे आप हेल्प ले सकते हैं, आप देख सकते हैं कि रिजोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, जो भी हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर लिख देंगे, आपको यहाँ पर रिजोल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ गिव डायग्नोसिस फॉर द शॉर्ट प्रॉब्लम, जो भी हमारा प्रॉब्लम होगा वो लिख देंगे, आपको डायग्नोसिस भी यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब इस टाइप से हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल सकता है और इसी के साथ इसे एक बार पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा टास्क यहाँ पर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टास्क हमारा होने वाला है जिसमें कि हमें क्विजेस को कंप्लीट करना होगा। क्विजेस को कंप्लीट करने के बाद हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद अब बात करते हैं आपको क्या बेनिफिट मिलने वाली है। बेनिफिट के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सबसे पहले तो सर्टिफिकेट मिलने वाला है जो कुछ इस टाइप का यहाँ पर दिखने वाला है। क्लिक करने के बाद ऐड सर्टिफिकेट टू लिंक्डइन, आप लोग अपने लिंक्डइन पर भी सर्टिफिकेट को ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको यहां पर डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिससे कि आप लोग पीडीएफ को यहां पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। पीडीएफ के फॉर्म में ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहां पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो पहली बेनिफिट की अगर बात करें तो सर्टिफिकेट मिलने वाली है। दूसरी, क्या स्किल्स आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, आप लोग इन स्किल्स को अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप के जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इस टाइप के रिज्यूमे में आप लोग इस टाइप के स्किल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला, जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन में आप लोग इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको बस कॉपी करना है और अपने रिज्यूमे में यहाँ पर जाना है और इसे ऐड कर देना है। तो ये तीसरी बेनिफिट थी। अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट बेनिफिट की, जो कि इंटरव्यू टिप्स यहाँ पर होने वाली है।
इंटरव्यू टिप्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब रोल, आप इस जॉब रोल में क्यों इंटरेस्टेड है, तो आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर और अपने रिज्यूमे में जहाँ भी आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं कवर लेटर में जाकर के पेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस टाइप के जॉब के लिए ही आप लोग इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, बाकी अलग अलग टाइप के जॉब के लिए आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। चूंकि ये कॉग्निजेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी आप सभी को पता होगी, तो इसका आंसर अगर आप लोग यूज़ कीजिएगा थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके, तो यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट जरूर देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर चारों टास्क को हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगर बात करें टास्क के बारे में, तो मैंने आपको जो 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 दो पीपीटी है मैंने आपको भेज रखा है, टास्क वन और टास्क थ्री में यहाँ पर पीपीटी होने वाली है, टास्क टू और टास्क फाइव में डॉक्यूमेंट होने वाला है। लेकिन मैं आप सभी को फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस भी जरूर करनी है। हालांकि यहाँ पर अगर आप लोग डायरेक्ट भी अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई नहीं करता है, आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन आपकी आपकी टास्क कंप्लीट भी हो जाएगी और सबमिट भी हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी। लेकिन उससे आपको सीख नहीं पाइएगा, तो थोड़ा बहुत इसे देख लीजिएगा, इन फ्यूचर ये बहुत ही काम आएगा, ये मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली भी यहाँ पे इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी लगी। तो कुछ इस टाइप से आप लोग प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी सीख जाएंगे। सो फाइनली कुछ इसी तरीके से पूरे टास्क को कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट को आप लोग अपने नाम कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप लोग अपने सर्टिफिकेट को शेयर कर सकते हैं, इसी के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी आप लोग यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे को, एक अपने रिज्यूमे को और भी ज़्यादा आप लोग बूस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली उम्मीद करूंगा आज की वीडियोस आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।